तापसी पन्नू और विक्रांत मैसी स्टारर फिल्म हसीन दिलरुबा का सेकंड पार्ट रिलीज करने की घोषणा की गई है। नेटफ्लिक्स ने इसकी रिलीज डेट को फरवरी 2024 में तय किया है। इस बार फिल्म में विक्की कौशल के छोटे भाई सनी कौशल भी नजर आएंगे। बिग बॉस ओटीटी 3 में वड़ा पाव गर्ल यानी चंद्रिका दीक्षित का सफर खत्म हुआ। उन्होंने मेकर्स पर गंभीर आरोप लगाए कि उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की गई। इसके बाद उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो शो को लेकर अपनी भड़ास निकाल रही हैं। बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में अदनान शेख की वाइल्ड कार्ड एंट्री पर एल्विश यादव ने दिया रिएक्ट। एल्विश अब बिग बॉस देखने के लिए उत्साहित है और लव कटारिया और अदनान के बीच दुश्मनी की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने अदनान के चूड़िया वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। फिल्म देवरा पार्ट एक के सेट पर सुरक्षा की खबरें आई है। जूनियर एनटीआर के इंटरनेट पर लीक हुए एक डायलॉग के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई है। सेट पर लोगों की संख्या कम कर दी गई है और मोबाइल फोन नहीं लाए जा सकते हैं। अदनान शेख बिग बॉस ओटीटी 3 में वाइल्ड कार्ड एंट्री कर चुके हैं। उन्होंने बताया है कि उन्हें लवकेश कटारिया से उनकी दुश्मनी है और वह घर में आकर दो कंटेस्टेंट्स के बीच बवाल करेंगे। यह एपिसोड रात 9 बजे जियो सिनेमा पर देखा जा सकेगा। बॉलीवुड अभिनेता शरद केलकर ने वेब सीरीज द लीजेंड ऑफ हनुमान के चौथे सीजन में रावण की आवाज दी। उन्होंने बताया कि रिजेक्शन से पहचान के सफर में उन्हें कैसे मिली सफलता। उन्होंने भी बताया कि रावण के व्यक्तित्व से कैसे प्रभावित हुए और आगे कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। टेलीविजन अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और उनके पति विवेक दहिया इटली वेकेशन के दौरान कार से पासपोर्ट चोरी हो जाने के बाद फंस गए। भारतीय दूतावास ने मदद की और आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किए। दिव्यांका और विवेक ने इंडियन एम्बेसी का धन्यवाद दिया।